हमारे देश के राजनीतिक दल किस तरह से चंदाखोरी कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 से ज़्यादा चंदा लेने वाले दलों की जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौंकाने वाली है। देश की 7 राजनीतिक पार्टियों के चुनावी चंदे पर अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 20,000 रुपये से ज़्यादा चंदे की जानकारी दी गई है। इन पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, NCP, CPI, CPM और तृणमूल कांग्रेस शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में इन पार्टियों ने 2123 दानदाताओं के जरिए 20,000 से अधिक की राशि में कुल 589.38 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया। इसमें अकेले भाजपा ने 1194, माध्यमों के जरिए 532.27 करोड़ रुपए जुटाए, जो बाकी दलों द्वारा जुटाई गई रकम 57.11 करोड़ राशि से 9 गुना ज़्यादा हैं। कांग्रेस ने 599 चंदों के माध्यम से 41.90 करोड़ रुपए जुटाए। बसपा ने 20,000 से ज़्यादा की रकम का एक भी चंदा घोषित नहीं किया है। यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। कुल मिलाकर चुनावी चंदे में 487% का इजाफा हुआ है। 2015-16 में इन दलों द्वारा कुल 102.02 करोड़ का चंदा मिलने की घोषणा की गई थी। 16-17 में यह 589.38 करोड़ हुआ, यानी पिछली बार से 487.36 करोड़। इसमें 478% का इजाफा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का चंदा तो 593% बढ़ गया। 2015-16 में यह 76.85 करोड़ था, जो कि 2016-17 में 532.27 करोड़ हो गया। NCP के चंदे में 793% का उछाल आया। 15-16 में यह 71 लाख था और 16-17 में बढ़कर तो 6.34 करोड़ हो गया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चंदे में 231%, CPM के चंदे में 190% और कांग्रेस के चंदे में 105% की वृद्धि हुई। CPI की घोषणा के मुताबिक उसे 9% कम चंदा मिला। अब कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव सामने हैं और अब देखने वाली बात यही होगी कि इसमें कितना चंदा किस पार्टी को और अधिक मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।